बदलते युग में हर कोई खुद को हाईटेक बनाने की फिराक में है। संचार क्रांति युग में अब तो विरोध जताने के लिए राजनीतिक दलों के अनशन डिजिटल हो गए। पहले पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा के विरोध में भाजपाई डिजिटल धरने पर बैठे थे, अब उनकी देखा देखी कांग्रेस भी डिजिटल धरने पर उतर आई है। कांग्रेस संगठन के आह्वान पर सोमवार को सीतापुर में भी पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने अपने आवास पर डिजिटल अनशन किया। डिजिटल धरने में पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने केंद्र और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जहां एक ओर जनता कोरोना की महामारी से जूझ रही है, वहीं सरकार के मंत्री गलत तरीके से अपने भाई की नियुक्ति करा रहे हैं। श्री वाजपेयी ने कहा कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि सरकार नहीं जागेगी तो आगे कांग्रेस और भी मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। अनशन पर बैठे पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने नियमों को ताक पर रखकर सारे मापदंडों को समाप्त करके अपने भाई को नौकरी दी और उसे महिमा मंडित किया। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और हम समझते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार समाप्त कर रही है और निजी स्वार्थ के वश में इस तरह के कुकृत्य कर रही है, जिसके विरोध में हम कांग्रेस जन आज सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि तमाम जो मौतों के आंकड़े हैं वो भी छिपाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हजारों लोग आज मौत के घाट उतर चुके हैं लेकिन उनको 3 बताया जा रहा है, कहीं 4 बताया जा रहा है। तो हम सब आज कांग्रेस के लोग, हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष, पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी और अपने साथी भाई गिरीश दीक्षित जी के साथ प्रियंका जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के आह्वान पर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।